कॉलेज को सर्च करते हो, जैसे आरबी में जाना है, एमएस रमेश में जाता है, लिस्ट बनाते होंगे, और उस लिस्ट में बनाने के बाद आप लोग होते हैं बहुत सारे होते हैं यूट्यूब वीडियोज देखते एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वेबसाइट भी बना लिया तो उसके हिसाब से आप मेरे होता है वेबसाइट पे भी आ सकते हो, और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे चलेगा वहाँ पे ले सकते हो 100% आपको वहाँ पे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज व्यवस्थित आर्य। तो आज जैसे मैं अभी होता बैंगलोर में हूँ और मैं अभी यहाँ से होता मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, फेसबुक पे भी करते हैं, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे करते हैं। तो उनका हमेशा जो क्वेश्चन रहता है कि भैया एडमिशन्स कैसे ले, एडमिशन का प्रोसेस कैसा होता है। तो मैं आज ऐसे ही होता पार्क में आया हुआ था, तो घूम रहा था, तो सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द एडमिशन्स इन बैंगलोर। अभी मैं बैंगलोर में हूँ, और हाँ, आप लोगों का भी एक थोड़ा सा होता सपना होता हो, मैं बैंगलोर में आऊँगा और यहाँ से जो भी कोर्स है मैं उसको कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मेरी प्लेसमेंट्स होगी, तो मैं भी सोचता था वैसे ही। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोसेस होता कैसे। एक्चुअली में होता ये है कि अभी आप लोग ऐसे करते हो कि बहुत सारे जो कॉलेज को सर्च करते हो, जैसे आरबी में जाना है, एमएस रमेश में जाना है, एक लिस्ट बनाते होंगे, और उस लिस्ट में बनाने के बाद आप लोग होते हैं बहुत सारे होते हैं यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, उस यूट्यूब वीडियो में आपको होता है कुछ नंबर्स मिलता होगा जहाँ पर बात बात करते होंगे, तो वो लोग जो फिर से आपको प्रोसेस बताते होंगे। तो मैं आपके लिए ये प्रोसेस बहुत फ्लेक्सिबल करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं ये करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको मैं बताऊँगा कि रोड मैप क्या है अगर आपको आरबी में जाना है, एमएस में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, आपको कैसे फाइंड करना चाहिए कि बेंगलोर में कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है और कौन सा कॉलेज ठीक ठाक है, आप वहाँ पे अपने होता बजट के भी हिसाब से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो या फेसबुक पे भी आ सकते हो, और अभी मैंने होता अपना वेबसाइट भी बना लिया है, तो उसके हिसाब से आप मेरे होता वेबसाइट पे भी आ सकते हो, और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे चलेगा है वहाँ पे ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे आपको मास्टर्स करना है, एमसीए करना है, या होता बैचलर्स करना है, बीटेक करना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। देखो, मैं आज आपको होता प्रायोरिटी बताऊँगा कि किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है। अगर आप एमसीए करना चाहते हो या मैनेजमेंट के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं, एमबीए, बीबीए, बीसीए, और भी होता है कि बैचलर से बी से रिलेटेड जितने भी कोर्स करना चाहते हो, उसके लिए अभी मेरे हिसाब से क्राइस्ट में जा सकते हो, क्योंकि क्राइस्ट ऐसे होता टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है जहाँ पर अच्छी खासी आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक के लिए बहुत सारी कॉलेजेस हैं, या मास्टर्स भी करना है तो एक्चुअली में जो टॉप कॉलेजेस आती है एमसीए की, तो सबसे पहले इसमें होता है आरबी आता है। आरबी का आपको अगर फीस से रिलेटेड जो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बट गाइज फॉलो ज़रूर कर लेना, लेकिन आप लोग सिर्फ होता है मैसेज करते हो, फॉलो कोई नहीं करता, तो आप जो फॉलो कर लेना उसके बाद ही मैं आपके होता मैसेज का रिप्लाई करूँगा। आप मेरे से बात कर सकते हो, अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस को भी बताऊँगा कि एक्चुअली में एडमिशन्स कैसे होते हैं। तो आरबी में भी जा सकते हो, एमएसआरआईटी में भी जा सकते हो, पीएस यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो। तो बेसिकली अभी होता है स्टूडेंट के ये क्वेश्चन होते हैं, भैया मेरे बजट के हिसाब से कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप जो टॉप 5 कॉलेज यहाँ पे चुन सकते हो, अगर आपका लो बजट है तो लो बजट के भी हिसाब से अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे सी एम आर आई टी यूनिवर्सिटी है, रेवा यूनिवर्सिटी है, तो आप अपने बजट के हिसाब से इस कॉलेज में भी जा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप मेरे वेबसाइट पे आ सकते हो, या बेसिकली आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, या आप मेरे कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने स्काई यूनिवर्सिटी के लिए मैंने एक खुदा मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया, वो मॉक इंटरव्यू आपको मिलने वाला है मेरे उस वेबसाइट पे। तो गाइस, बेसिक सी बात ये है कि अब मैंने मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया है, और मैंने अपने मॉक इंटरव्यू के जो प्लेटफॉर्म है उसका भी नाम होता चेंज कर लिया है, अब उसका नाम इंटरव्यू शाला हो गया है। और वहाँ पे आके आप क्राइस्ट के जितने भी कोर्सेस हैं, लाइक एमसीए, बीबीए, बीसीए, एमबीए, जितने भी कोर्सेस हैं, उसके लिए मैंने होता है मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया है। और आप ये जरूर समझ लें कि मेरा मॉक इंटरव्यू पूरे बैंगलोर में सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली मैं होता है बेसिकली मॉक इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करता हूँ, और एक्चुअली में वन ऑफ द बेस्ट मॉक इंटरव्यू प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मैं ही आप लोगों का मॉक इंटरव्यू लूँगा और आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा, उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जो आपको पता नहीं है कि क्राइस्ट के इंटरव्यू में वो लोग होता है कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो मेरे अभी तक होता है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, सो गाइज आपको पता होगा कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन वहाँ पे क्राइस्ट में पूछा जाता है। तो अगर आप जो क्राइस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 100% आप मेरे पास आओ और उसका मॉक इंटरव्यू लो, 100% आपका तो क्राइस्ट में हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको होता है कि
आपकी कहीं पे भी एडमिशन्स लेना है, बैंगलोर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन्स लेना है, तो आप होता है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो. सो मैं आपको होता है एक्चुअली मैं सो प्रोसेस बताऊंगा. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिशन्स, क्योंकि बहुत सारे लोग होता है कि एडमिशन्स का प्रोसेस पता नहीं होता है, और वो लोग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पैसा होता है कि एक्सप्लेन कर देते हैं किसी भी छोटे या बड़े कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए. तो आपको मैं होता है एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा कि आपको होता है किस एग्जैक्ट टाइम पे आके एडमिशन्स करा लेना चाहिए. जैसे अभी होता है जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में अगर आपको यहाँ पे बड़े कॉलेजेस है जैसे एम एस रमैया, आर वी, पी एस यूनिवर्सिटी, तो आपको जनवरी से लेके होता है कि मार्च तक के बीच में एडमिशन यहाँ पे आपको करा लेना पड़ेगा. अदरवाइज़ यहाँ पे सीट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे सीट्स आपको मिलेंगे ही नहीं, तो फिर आप एडमिशन आप लोग खुद करा ही नहीं पाओगे. अगर आपको होता है मीडियोकर कॉलेज चाहिए या होता है कि लो ग्रेड का कॉलेज चाहिए, तो आप आराम से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक होता है एडमिशन करा सकते हो. बट आपको इससे पहले एक चाहिए होगा कि मेंटरशिप, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने तरफ से मेंटरशिप. उस मेंटरशिप में 24/7 आपको होता है कि इन्फॉर्मेशन मैं होता है प्रोवाइड करूँगा. जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन होता है प्रोवाइड कर दूँगा. सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना. एंड गाइज, अभी मैं बेसिकली आया था पार्क में ऐसे घूमने. बहुत दिनों से मैंने होता है वीडियोज़ नहीं डाला है, तो ये वीडियोज़ मेरे दोनों चैनल पर जाएगा, वैभव सिद्धार्थ मेन चैनल पर, और उसके साथ वैभव सिद्धार्थ होता है ब्लॉग पर भी जाएगा. तो मेक श्योर ये रखना कि इस वीडियो को बहुत सारा होता है शेयर करना, बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि आपके जैसे जितने भी नॉर्थ या साउथ के स्टूडेंट हैं वो एक्चुअली दे नीड सम मेंटरशिप. क्योंकि अगर उनको होता है क्योंकि उनको मेंटरशिप चाहिए. अगर मेंटरशिप नहीं मिलता है तो बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं लूटने के लिए, तो सब लूट लेते हैं. तो एज अ स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि आपको एक होता है सही मेंटरशिप मिल जाए, और उसके बाद आप यहाँ पे आके किसी भी कॉलेज में एडमिशन्स लो, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करो यार. तो मैं भी यहाँ पे अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, और इस बार आई होप कि प्लेसमेंट्स लग जाए. तो सो मेरी भी होता है कि ऑलमोस्ट ड्रीम होता है जो कंप्लीट हो जाएगी. हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि बैंगलोर में आए, सो उनका अच्छा प्लेसमेंट लग जाए. तो या अगर आपको एक आपके पास एक छोटा सा ड्रीम है, तो मैं इसको इसमें छोटा सा इनिशिएटिव डालना चाहता हूँ, और आप लोगों को एक अच्छा मेंटरशिप देना चाहता हूँ. सो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय.